बेरोजगारी की मार। नहीं चाहिए मोदी सरकार। बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पे अत्याचार डालो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। एनएचएम एम्प्लॉइज को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत हो गई बेरोजगारी की मार। कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज तमाम जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के दौर में चल रहा है नौजवानों के साथ और पढ़े लिखे युवाओं को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है और उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और आज तक तो 7 वर्ष हो गए इनको सरकार में आए हुए, अब तो 14 करोड़ नौकरियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरी देने के बजाय इन लोगों ने नौकरी छीनने का काम किया। जो लोग नौकरी कर रहे थे सरकारी मुलाजमत न थे, प्राइवेट नौकरियां तक जो है लोगों की छिन गई और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस सरकार ने लोगों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, पढ़े लिखे बच्चों को बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर कर दिया और जब वो इनको अपना वादा याद दिलाते हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, डंडे बरसाए जाते हैं। जिस तरीके से यूथ के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पे कबूल नहीं किया जा सकता है। आपने सुनहरे सपने लोगों को दिखाए, इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे आपने इनके साथ किए और आज देख लीजिए क्या हाल है। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, चाहे वो PHC के हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे वो पावर सेक्टर के हैं, चाहे वो दूसरे महकमा जात के हैं, हर कोई निराश है, मायूस है और उनके अंदर जो एक लावा ददक रहा है मैं कहना चाहता हूं कि वो विस्फोटक साबित हो सकता है। NHM के ऊपर आपने कल डंडे बरसाए और जो नौजवान ये कह रहे थे कि उनको कॉलेज में भर्ती किया जाए उनको आपने थानों में बंद कर दिया, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज उनके ऊपर करवाया। इसलिए आपने हुकूमत ये बनाई हुई थी कि आप इतना जुल्म और ज्यादती इन नौजवानों के साथ करेंगे। आपने बड़े बड़े वादे किए यूथ एम्पावरमेंट के, लेकिन जितना आपने नौजवानों के साथ जुल्म और अत्याचार किया है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा काले लफ्ज़ों में दर्ज रहेगा। और अब आपने एक और नोटिफिकेशन कल का निकाला है कि जो रिटायर्ड इंजीनियर हैं उनको आप एंगेज करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग की है वो कहाँ जाएंगे, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है कि अजीबोगरीब फैसले आप ले रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं और जिसका सीधा सीधा असर जो है वो नौजवानों के ऊपर हो रहा है, नौजवानों के साथ जाती। पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल नहीं करेगी, ये सरकार को हम चेताना चाहते हैं।